सुंदर है मोदी जी, हमें सुंदर सुंदर चाहिए। अपने प्रधानमंत्री हम खुद हैं। काम हुआ जब तो पब्लिक मोदी मोदी कर रही है, अगर काम नहीं होता क्यों करती ये बताइए। बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो अपने घर को सुरक्षित कर लेना, ना कोई कोर्ट आएगा बचाने के लिए, ना कोई सुप्रीम कोर्ट आएगा, ना हाई कोर्ट आएगा, ना कोई पुलिस आएगी, ना इंडियन आर्मी आएगी। अच्छा। और ना विपक्ष के नेता आएंगे। उन्होंने क्या थोड़ा फोन बांट दिया लुगाइयों को। अच्छा। वो क्या रील्स बनाती है, हमारी मानती नहीं है कोई। अपनी जिंदगी खुद जीनी है, खुद कमा के खुद खाना है। कौन दे रहा आपको, दे रहे हैं घर पे आके? मोदी दे रहा आपको घर पे आके? यूपी में गुंडा राज खत्म। 11 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें नहीं जाती थी, अब खुल्ला घूमती हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी के ऊपर सबका विश्वास है। सबसे बता रहा हूँ मैं, जिस दिन बीजेपी इस भारत देश से जाएगी उस दिन तुम्हारे सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी इस देश से क्यों नहीं जानी चाहिए थी। किसी को नहीं पसंद कर रहे, किसी को नहीं पसंद कर रहा, कोई नहीं पसंद आ रहा, कोई नहीं। देश में किसी ना किसी को तो प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, किसको बना रहे हैं? मानते ही नहीं हम किसी को प्रधानमंत्री। अच्छा। अपने प्रधानमंत्री हम खुद हैं। अच्छा, अपने प्रधानमंत्री खुद हैं। अपनी जिंदगी खुद जीनी है, खुद कमा के खुद खाना है। खुद कमा के खाना है। कौन दे रहा आपको, दे रहे हैं घर पे आके? मोदी दे रहा आपको घर पे आके? राहुल गांधी कोई भी नहीं दे रहा ना। तो नोटा दबा के आने वाले फिर किसको चूज करेंगे? ना मैंने वोट ही नहीं डालनी, वोट ही नहीं डालनी, हाँ उपयोग ही नहीं करेंगे वोट ना। चलिए ठीक है, और लोग सवाल करते हैं, किसे पसंद कर रहे हैं? 400 पार की बात कर रहे हैं। अरे मोदी सरकार को ही पसंद करते हैं हम। मोदी सरकार को ही पसंद करते हैं? यस। क्यों सर, मोदी सरकार इतनी पसंद? देखो हम लोग रहने वाले महाराष्ट्र के जी, बराबर है, महाराष्ट्र में डेवलप बहुत है मोदी की वजह से। अच्छा, बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, मोदी की वजह से महाराष्ट्र में बहुत है। महाराष्ट्र शिवसेना है वहाँ पर। देखो शिवसेना है, अभी अपने को देश का सोचने का है, खाली राज्य का नहीं सोचने का है। देश आगे जाएगा तो सब आगे जाएंगे। तो मोदी के राज में देश आगे जा रहा है सर? नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा मोदी के राज में। आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल, विपक्ष का कहना कि बल्कि देश आपको क्या लग रहा है? हाँ, नहीं सर, हम तो अपना ओपिनियन नहीं रख सकते ना। आगे जा रहा है, हो रहा है, आगे हो रहा है, डेवलप हो रहा है। काम हुआ जब तो पब्लिक मोदी मोदी कर रही है, अगर काम नहीं होता क्यों करती ये बताइए। बिल्कुल हुआ है, दुनिया जानती है। अब आप क्या हो गए, काम गिनवाओ? कुछ काम गिनवाई दिए, दो तीन काम गिनवा दिए, दो तीन बस। 370 हटी, राम मंदिर बना, हाईवे बन रहे हैं, अंडरपास, मेट्रो, वंदे भारत, और क्या बताओ। काम हो रहे हैं मोदी। यूपी में गुंडा राज खत्म। 11 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें नहीं जाती थी, अब खुल्ला घूमती हैं। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ी है, आमदनी नहीं बढ़ी, और बेरोजगार कौन है मुझे बता दीजिए, बताइए। भाई एक बात बताइए, आप सुनिए, आप मालिक बनना चाहोगे नौकर? मोदी सरकार की गारंटी है, एक बंदा बिना किसी गारंटर के इतना लोन ले लेगा, पर खुद का बिजनेस जोड़ ले। अच्छा। तो क्या है कि महंगाई है और क्या है कि बेरोजगारी है? आराम से हो जाएंगे, मोदी जाएंगे। हाँ, कैसे इतना विश्वास कैसे मोदी जी है? भाजपा में काम कर रही है वो, देश के लिए बहुत काम कर रही है, देश के लिए बहुत। विपक्ष जो है इतना बड़ा, राहुल गांधी जी युवा चेहरा है वहाँ पे, कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी का तो हमें पुराना पता हुआ है ना, उनके क्या शिष्टाचार है, क्या उनका वह है, करेक्टर वगैरह सब पता है। आगे करेक्टर वगैरह सब पता है, क्यों राहुल गांधी जी पसंद नहीं आता? करेक्टर सही लगता सर? करेक्टर नहीं, उनकी आगे के चलते हुए आई है ना, पुराने टाइम से क्या चल रहा है करके, तो इसलिए मोदी को हमेशा वो है, मोदी को पसंद कर रहे हैं। हाँ। पसंद अच्छा रहा है मुझे, काम 10 साल कार्यकाल कैसा लग रहा है मुझे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि मोदी का टाइम में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है देश में, बेरोजगारी बढ़ी, डेवलपमेंट भी हो रहा है ना, वही है। कुछ काम हुआ आपको उत्तराखंड में? काफी काम हुआ है, कुछ काम बताना चाहेंगे? कुछ काम हुआ, क्या कहते हैं, रिंग रोड वगैरह हो गई मैक्सिमम। अच्छा। जो रोड की ज्यादा प्रॉब्लम थी, पानी की थी। हाँ। गैस सिलेंडर वगैरह हो गए, शौचालय हो गए, बहुत सारे काम करे हुए, सारे काम, रोड वगैरह बने हैं। हाँ। अच्छा। सब कुछ हो रहा है, मतलब विपक्ष कह रहा है लेकिन कि ईवीएम हैक करके आ रहे हैं लोग। हाँ, विपक्ष कहता है कि मोदी जी ईवीएम हैक करके जीत जाते हैं, कैसे देख रहे हैं? ईवीएम हैक कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ केस करना चाहिए आगे ना, तो सरकार हर जगह काम कर रही है तो उसके लिए भी करेगी, वो तो खाली एक वो बहका हुआ है सीधे, बेकार ही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, 400 बार करवा रहे हैं मोदी जी को इस बार। हाँ हाँ। अच्छा मैम, आपके साथ में? हाँ, मैं नहीं के साथ में। अच्छा, क्या आप किसको पसंद कर रहे हैं वैसे इस बार? वही है जो इन्होंने बोला, से मोदी जी। हाँ, से बचपन से लेके आज तक। अच्छा, बचपन से आज तक। हाँ, मतलब मे बी 2014 से मैं उनको जानती हूँ। अच्छा, जब हाँ तब से उन्हीं के सबसे बीजेपी को सपोर्ट। हाँ जी, इतना अच्छा क्यों लग रही है बीजेपी? पता नहीं ऐसा ही क्यों है, उनके काम से भी होता है, जो उनकी स्पीच वगैरह होती है, हर चीज से, हर चीज से मोदी। हाँ जी। अच्छा, बोलने का उनका अच्छा तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, इस वजह से तो मोदी जी को लाना चाह रहे हैं? नहीं, उनके काम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, जैसे बताया था इन्होंने कि उनको सिलेंडर, जैसे कि लोगों को लकड़ियों पे जलाते थे। हाँ। अब सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है हर जगह पे, सिलेंडर वगैरह। हाँ जी, सुविधाएं बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहा था कि बहन बेटों के लिए काम हुए या कुछ, मोदी जी के बाद में क्या लग रहा है उसका? तो सेफ है गर्ल्स वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, अब तो सेफ है, अब तो बिल्कुल डरती भी नहीं है लड़कियाँ जाने के लिए कहीं इधर उधर।
यानी बार चार सवाल कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल है, वही है। मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी इस बार। क्यों, मोदी को क्यों पसंद कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में काम किया उन्होंने। आपके क्षेत्र में काम किया मोदी ने? हाँ। कहाँ के से रहने वाले? उत्तर प्रदेश आजमगढ़। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के आप सर? साथ ही। अच्छा, उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ पे योगी जी ने बढ़िया काम किया है? हाँ हाँ, बढ़िया काम, बहुत काम किया है। हम लोग संतुष्ट संतुष्ट है मोदी काम से। विपक्ष नहीं, विपक्ष को लेके क्या करना चाहेंगे भाई? बेकार। वहाँ से अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी पसंद नहीं आ रहे, कैसे लगते हैं अखिलेश जी? नहीं, अखिलेश जी की वहाँ से नहीं लड़ रहे, वहाँ से लड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी क्या लग रहा है? कुछ जगह उनका समीकरण जो है विधानसभा सांसद सीट पे, इस बार तो कन्नौज से लड़ रहे हैं। हाँ, यादव और मुस्लिम जो है ना 48 तक है, कहीं कहीं है, उसी का बेनिफिट मिलता है। और कुछ और कुछ भी नहीं है। तो नहीं, इस बार बीजेपी जीत रही है देश में 400। हाँ, 400 तो जाएगी। मोदी जी के राज में सर महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब यह क्या करोगे, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो रहा है, डीजल ये सब महंगा हो रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। बेरोजगारी है भाई, तो वो तो बढ़ेगी, जनता बढ़ रही है। तो मोदी जी है, मोदी जी के ऊपर सबका विश्वास है। सबका विश्वास, सबका विश्वास। कहाँ के रहने वाले? मैं बंगाल से हूँ। बंगाल से रहने वाले? हाँ। तो ममता दीदी का राजा? ममता दीदी क्या है, वो तो चोर है, सबको दिख रहा है घोटाला कितना कर रहा है। सर्विस चाकरी जीवी का इतना पैसा लेके, अभी जो 25-26 हजार अभी नौकरी बाद हो रहा है युवा का, तो वो सब पैसा लेके लेके सब नौकरी दिया है। अच्छा, तो वो पूरा अभी पैनल पूरा बाद हो रहा है, ये हो रहा है। तो बंगाल में क्या? बंगाल में टीएमसी का इतना ही नहीं, देखो हमारा बंगाल में 43 का सीट है लोकसभा चुनाव का, तो 43 में मैक्सिमम 40 के आसपास बीजेपी का सीट होगा। अच्छा, इस बार। हाँ, 40 के आसपास सीट होगा बीजेपी का। बड़ी बात कर रहे हैं, 40 ममता बनर्जी तो वहाँ 35 से 40 का अंदर अंदर हो जाएगा। 35 से 40 के अंदर बीजेपी का इस बार सीट। हाँ, बहुत मतलब काम किया है कुछ बीजेपी ने? अरे बीजेपी बहुत कुछ काम किया है देश में। क्या लग रहा मोदी जी? देश में तो काम किया किया, जो भी मोदी जी का जो स्किन है, जो जो पूरा इंडिया ऑल ओवर में जो खुल रखा है, वो हमारा ममता का सरकार चालू नहीं दे रहा है। जैसे आयुष्मान योजना ये सब नहीं नहीं वहाँ पे चलने नहीं दे रहा है ममता सरकार। इसलिए हमारा बीजेपी के ऊपर बहुत ये है कि वो 400 पार करेगा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार नहीं आएगी तो अपने घर को सुरक्षित कर लेना। ना कोई कोर्ट आएगा बचाने के लिए, ना कोई सुप्रीम कोर्ट आएगा, ना हाई कोर्ट आएगा, ना कोई पुलिस आएगी, ना इंडियन आर्मी आएगी। अच्छा। और ना विपक्ष के नेता आएंगे। अच्छा। सब सत्ता परिवर्तन, अगर लगता है कि मोदी सरकार में अगर तानाशाही हो रही है, गरीबों को कुछ नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, देश डूब रहा है, बेच दिया सब कुछ होने के बाद, तुम्हें लगता है एक ही उस पर सत्ता परिवर्तन करना, तुम्हें अपने पास गट्स होने चाहिए कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं? अच्छा, पहली चीज। और नहीं आती है तो मजाक के उसमें नहीं है। मैं ये सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन बीजेपी इस भारत देश से जाएगी, उस दिन तुम्हारे सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी इस देश से क्यों नहीं जानी चाहिए थी, और 2029 में खुद बीजेपी को वोट करके इस देश को बचाने का काम करेंगे। मोदी जी देश के लिए समर्पित हैं और ये सब अपने लिए करेंगे, बस ये। अच्छा, मोदी देश का समर्पित है, खुश है मोदी जी? हाँ, मोदी जी से। मोदी से खुश? कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं यूपी के। यूपी के रहने वाले हैं, तो वहाँ योगी जी का काम कैसा लग रहा है? योगी जी काम अच्छा है। अच्छा, योगी जी का काम जी। मोदी जी कुछ काम गिनवा सकते हैं? लोग कह रहे हैं क्या ही काम करते हैं, बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है मोदी जी। सबसे ज़्यादा जरूरी जीवन में होती सुरक्षा, सुरक्षा इन्हीं समय में, कोई दंगा नहीं हुआ है, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। जब हम सुरक्षित रहेंगे तब तो कुछ और काम करेंगे। अच्छा, सुरक्षित रहेंगे तब कुछ काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है मोदी जी के राज में, पर कैसी सुरक्षा सर? कह रहे हिंदू मुस्लिम करवा रहे मोदी जी आपस? हिंदू मुस्लिम कौन सा दंगा हुआ बताइए आप? हाँ। कौन सा मुद्दा हुआ आप बताइए? इसके पहले कितने दंगे हुए वो भी आप जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सुरक्षित हैं सब, देश सुरक्षित है और जनता सुरक्षित है। मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? क्योंकि वो मोदी जी है। मोदी जी? हाँ। काम किया कुछ मोदी जी ने? क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है मोदी जी के राज? हाँ। साफ सफाई हुई है ना इधर उधर, ये देखिए यहाँ पे सड़क की साफ सफाई हुई बिल्कुल। हाँ, दिल्ली को चकाचक कर दिया, दिल्ली को चकाचक कर दिया है। दिल्ली को चकाचक कर दिया, तो केजरीवाल जी के अंदर आता था। चलिए कोई बात नहीं, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो राजस्थान के। राजस्थान के रहने वाले? हाँ। राजस्थान में क्या करें, अब तो नए मुख्यमंत्री आ गए हैं वहाँ पर। हाँ हाँ, कैसा काम हो रहा है जिनके राज में? वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। कुछ नहीं है बीजेपी काम से? क्या कोई मतलब नहीं है ऐसे, वो वही वैसे वो पहले थे वैसे अभी है। वो उन्होंने क्या थोड़ा फोन बांट दिया लुगाइयों को। वो क्या रील्स बनाती है हमारी मानती नहीं है कोई। प्रदेश में मोदी जी पसंद कर रहे हो? प्रदेश में मोदी जी पसंद है। क्यों, कुछ कारण मोदी जी को लाने का देश में?
कुछ कारण विपक्ष कह रहा है कि मोदी देश में बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। मोदी जी सुंदर है ना? सुंदर है, सुंदर है मोदी जी, हमें सुंदर सुंदर चाहिए।